तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि हम खुद से पहले हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, तो आज भी पहला शेर उनके लिए कि जिक्र महफिल में आज फिर तेरा करने आए हैं, कि जिक्र महफिल में आज फिर तेरा करने आए हैं, जख्म जो दबे हैं सीने में, जख्म जो दबे हैं सीने में, घाव उनके भी हरे करने आए हैं। कि जिक्र महफिल में आज फिर तेरा करने आए हैं, घाव जो दबे, जख्म जो दबे हैं सीने में, घाव उनके भी हरे करने आए हैं। और माना कि तुझसे अब बात नहीं करते हम, और माना कि तुझसे अब बात नहीं करते हम, पर महफिल में कसीदे आज भी तेरे नाम पर पढ़ने आए हैं, महफिल में कसीदे आज भी तेरे नाम पर पढ़ने आए हैं। और उसके बाद एक खुद के लिए कि जो दिल पे ना रहा वो इख्तियार हूँ मैं, जो दिल पर ना रहा वो इख्तियार हूँ मैं, जो होठों से बयां ना हुआ वो इजहार हूँ मैं, कि जो दिल पे ना रहा वो इख्तियार हूँ मैं, जो होठों से बयां ना हुआ वो इजहार हूँ मैं, जिस्मानी मोहब्बत के इस दौर में आशिके गवार हूँ मैं, जिस्मानी मोहब्बत के इस दौर में आशिके गवार हूँ मैं, और जो करता है शब्दों से दिलों का इलाज, और जो करता है शब्दों से दिलों का इलाज, बस वही विशाल कुमार हूँ मैं, बस वही विशाल कुमार हूँ मैं। तो मेरा हर एक शेर उसी के लिए होता है, तो है कि बिन सोचे तुम्हें तो हम सांस नहीं लेते, कि बिन सोचे तुम्हें तो हम सांस नहीं लेते, जिक्र बिना तुम्हारे बातें तो दूर की बात हैं, और होने से तुम्हारे हर खुशी है हमारी, और होने से तुम्हारे हर खुशी है हमारी, सोचने से तुम्हें हमारी सुबह रात है, सोचने से तुम्हें हमारी सुबह रात है। एक और है कि लोग हमसे मिलकर आजकल हाल तुम्हारा पूछते हैं, कि लोग हमसे मिलकर आजकल हाल तुम्हारा पूछते हैं, कैसी हो कहाँ हो, कि कैसी हो कहाँ हो, हमसे बस एक यही सवाल पूछते हैं। और हम जितना छुपाएं तेरे नाम को, और हम जितना छुपाएं तेरे नाम को, ये छेड़कर किस्सा मोहब्बत का, ये छेड़कर किस्सा मोहब्बत का, उतनी दफ़ा तेरे बारे हर बार पूछते हैं, तेरे बारे हर बार पूछते हैं। और एक है कि शायर टूट, इंसान टूटने के बाद शायर बनता है, तो उस पर लिखा है कि पर ये कटे हैं, पर ये कटे हैं तब उड़ना सीखा है, पर ये कटे हैं तब उड़ना सीखा है, अपनों से बिछड़ कर खुद से मिलना सीखा है, कि पर ये कटे हैं तब उड़ना सीखा है, अपनों से बिछड़ कर अपनों से मिलना खुद से मिलना सीखा है, और सारी उम्र कैद रहे हैं, और सारी उम्र कैद रहे हैं अपनों को खोने के डर में, और सारी उम्र कैद रहे हैं अपनों को खोने की डर में, इस दफ़ा दबे पाँव उनसे हम बिछड़ जाएंगे, और इस दफ़ा दबे पाँव उनसे हम बिछड़ जाएंगे, हमने ये सोचा है, हमने ये सोचा है। और कहते हैं कि शरीर के घाव दिखते हैं, मन के घाव दिखते नहीं हैं, तो लिखा है कि उस पे कि घायल है बस मन मेरा, कि घायल है बस मन मेरा, तन पर यूं तो कोई जख्म नहीं है, कि घायल है बस मन मेरा, तन पर यूं तो कोई जख्म नहीं है, और शब्द बस यूं ही कागज़ पर उतार लेते हैं, कि शब्द यूं ही बस कागज़ पर उतार लेते हैं, ऐसे तो कोई शायर भी हम नहीं हैं। और एक तेरा ख्याल जगाए रखता है बस हमें, और एक तेरा ख्याल जगाए रखता है बस हमें, वरना सारी रात हम जागें, ज़िंदगी में ऐसे भी कोई गम नहीं है, ज़िंदगी में ऐसे भी कोई गम नहीं है। और लोग कहते हैं कि हर कोई किसी ना किसी टॉपिक पे लिखता है, तो मेरा है कि मेरे शब्दों पर मेरा बस नहीं रहता, कि मेरे शब्दों पर मेरा बस नहीं रहता, मैं कब क्या लिखूँगा मुझे खुद पता नहीं रहता, कि मेरे शब्दों पर मेरा बस नहीं रहता, मैं कब क्या लिखूँगा मुझे खुद पता नहीं रहता, और हाँ आज शायद कसीदे लिख भी दूँ तेरे नाम पर, कि और हाँ आज शायद कसीदे लिख भी दूँ तेरे नाम पर एक दफ़ा जो उतर जाए मेरे दिल से, फिर मुझे उसका नाम तक याद नहीं रहता, फिर मुझे उसका नाम तक याद नहीं रहता। और एक आखिरी उसके लिए कि ये जो हर्फ हैं मेरे, ये जो बिखरे हैं हर्फ मेरे, सोहबत में तेरी सवर जाएंगे, ये जो बिखरे हैं हर्फ मेरे, सोहबत में तेरी सवर जाएंगे, तू जो पूछ ले हाल मेरा तो जख्मी ये सभी भर जाएंगे, ये तू जो पूछ ले हाल मेरा, ये दिल के
जख्मी सभी भर जाएंगे और यूं तो अकेला हूं मैं सदियों से, और यूं तो अकेला हूं मैं सदियों से, तू जो थाम ले हाथ मेरा तो मौसम ये तन्हाई के भी गुजर जाएंगे, मौसम ये तन्हाई के भी गुजर जाएंगे। और आज का मेरा मेन पीस है जिसका टाइटल है प्यार का डेफिनेशन। ये उस पर लिखा है कि लोग अपने रिश्ते को जो है ड्यूरेशन से नापते हैं कि 4 साल का रिलेशनशिप था, 6 साल का रिलेशनशिप था, तू क्या समझेगा। तो उस पर है कि मुझे लोगों के प्यार का ये डेफिनेशन समझ नहीं आता, कि मुझे लोगों के प्यार का ये डेफिनेशन समझ नहीं आता, क्यों कुछ पल के प्यार को इश्क कहा नहीं जाता, क्यों आपको किसी से कितना प्यार है, क्यों आपको किसी से कितना प्यार है इस बात को आपके रिलेशनशिप के टाइम लैप से है नापा जाता, क्यों रिलेशनशिप में दिए हुए गिफ्ट से नापते हैं हम इश्क की गहराई, क्यों रिलेशनशिप में दिए हुए गिफ्ट से आपके इश्क का अंदाज़ा है लगाया जाता, क्यों उन पलों में खर्च हुए इमोशंस का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता, क्यों उन पलों में खर्च हुए इमोशंस का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता, क्या जो पल बिताए साथ में उन लम्हों की कोई कीमत नहीं थी, क्या जो पल बिताए साथ में उन लम्हों की कोई कीमत नहीं थी, और अगर रिलेशनशिप ड्यूरेशन कम है तो क्या वो प्यार इश्क नहीं है, और अगर रिलेशनशिप ड्यूरेशन कम है तो क्या वो प्यार इश्क नहीं है, क्यों रिलेशनशिप में बिताए वक्त से नापते हैं हम इश्क की गहराई, क्यों रिलेशनशिप के वक्त बिताए वक्त से नापते हैं हम इश्क की गहराई, जबकि इश्क ज़ाहिर करने के लिए भी हमारे पास है अक्षर सिर्फ ढाई, हमारे पास है अक्षर सिर्फ ढाई। थैंक यू एवरीवन।